गोविंद महार जी की समाधि, मेरी सरकार से निवेदन कि गोविंद महार जी की समाधि को वो राष्ट्रीय प्रतीक बनाने का काम करें। उनके उनका बहुत बड़ा योगदान है, इतिहास में उस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। जब सब लोग डर के एक तरफ खड़े थे तब वो एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने संभाजी महाराज की जो है शरीर को जोड़कर उनको उनके जिस उनको जो है ना अंतिम संस्कार करने काम किया। वो बहुत युग पुरुष हैं, उनकी समाधि पे बड़ा काम करना चाहिए और मैं जाके अब उनको नमन करूंगा। जय भीम। बढ़ाओ बढ़ाओ भाई, क्रांतिकारी जय भीम, आपको पुणे में आपका बहुत स्वागत है। आभार आभार। क्या कहेंगे यहाँ पर आए, किस तरह की ऊर्जा और किस तरह का अभिवादन कर रहे हैं आप यहाँ पर? जैसे जीने के लिए सांसों की जरूरत है ना, वैसे नए साल की शुरुआत विजय स्तंभ पर मानव वंदन से ही होनी चाहिए। और मैं मुझे बड़ी खुशी है कि बाबा साहब अम्बेडकर आया करते थे और हमें आने का मौका मिला, ये हमारे लिए गर्व है। और जब तक जीवन रहेगा मैं यहाँ आता रहूँगा। मैं ये भी समझता हूँ हर दिन, आज नया वर्ष है तो सारे देशवासियों को शौर्य दिवस और नव वर्ष की हार्दिक मंगल कामना। मनुवादियों को बहुत बड़ा तमाचा है, क्या कहें? मैं समझता हूँ डॉक्टर अम्बेडकर जो है उन्होंने सबके लिए काम किया है। मनुवादी जो व्यवस्था को मानने वाले लोग उनको परिवर्तन करना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे इस बात का दुख है, इस सरकार से उम्मीद थी कि यह सरकार जो है आरएसएस के लोगों के जैसा बर्ताव नहीं करेगी, जैसा जो 2018 में हुआ, 17 में हुआ, 18 में हुआ, जो 2018 वो दुखद है। मेरा ये मानना था कि ये सरकार जो पुरानी सरकार ने जानबूझ के निर्दोष लोगों में झूठे मुकदमे लगाए हैं उनको छोड़ने का काम करेगी, लेकिन ये सरकार भी ऐसा काम नहीं कर रही। 2018 के जो मुकदमे हैं वो पेंडिंग है। इस सरकार से उम्मीद थी कि अच्छा करेगी, अगर ये सरकार भी अच्छा नहीं करेगी तो इनके खिलाफ भी मोर्चा खोलना पड़ेगा। लेकिन अच्छा ये है कि आज संवैधानिक रूप से हम लोग अपने जो गर्व का दिन है, शौर्य का दिन है, उसको मना रहे हैं। और इसके लिए महाराष्ट्र सरकार का भी और सभी मीडिया बंधुओं का और जो आयोजक हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा विश्वास है कि ये नव वर्ष इस भारत में नई ऊर्जा लेके आएगा और सभी का मंगल। सरकार ने किसान का जो ये था, ये एल्गार परिषद के सब लोग जेल में हैं, 2018 का जो अंदर उसके इतने मुकदमे हैं और सरकार को पिछली सरकार से की गलत नीतियों से दूर होते हुए नई सीख लेके काम करना चाहिए। सरकार नहीं कर रही, केंद्र सरकार पीछे हट रही है किसान आंदोलन के बारे में, तो आप क्या कहेंगे? बहुत सारी गलतियां, सच्चाई की जीत होनी थी, सच्चाई की जीत हुई है। यहाँ के किसान भी जो है ना वो पीड़ित थे देश के और उनकी मांग पूरी हुई है, हमारी भी मांग ये है सरकार से। आज नव वर्ष है, मुख्यमंत्री जी अगर मुझे सुन रहे हो तो वो एल्गार परिसर से जुड़े हुए जितने लोग निर्दोष लोग जेल में बंद हैं उनमें से एक दो साथियों की जान भी चली गई, उनको जल्द रिहा करें, जिनमें आलन तेल तुमड़े भी जी हैं और तमाम जो आम आदमी जिनपे 2018 के मुकदमे लगे थे। पिछली सरकार ने जो गलत काम किया था उसको उसको सुधारने का ये सरकार करे, मेरी ऐसा निवेदन है सरकार। यूपी के इलेक्शन आ रहे हैं अभी, क्या कहेंगे उसके बारे में? यहाँ से संकल्प लेके जा रहे हैं कि संविधान की रक्षा करेंगे और उत्तर प्रदेश में कुछ अच्छा कराएंगे। भाजपा की जैसे यहाँ से भाजपा की बेदखली हुई थी ऐसे उत्तर प्रदेश से भी करेंगे। आज से जीएसटी बढ़ गए, एक बड़ा मामला है जिसको सब लोग इग्नोर कर रहे हैं। गोविंद महार जी की समाधि, मेरी सरकार से निवेदन कि गोविंद महार जी की समाधि को वो राष्ट्रीय प्रतीक बनाने का काम करें। उनके उनका बहुत बड़ा योगदान है, इतिहास में उस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। जब सब लोग डर के एक तरफ खड़े थे तब वो एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने संभाजी महाराज की जो है शरीर को जोड़कर उनको उनके जिस उनको जो है ना अंतिम संस्कार करने का काम किया। वो बहुत युग पुरुष हैं, उनकी समाधि पे बड़ा काम करना चाहिए और मैं जाके अब उनको नमन करूंगा। जय भीम, जय भीम।